हेलो गाइस, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद यानी कि अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फेज टू के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल के बाद आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा और मेडिकल में अगर री मेडिकल मिला तो उसका पॉइंट क्लियर करा के आपको आता है आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर और उस ज्वाइनिंग लेटर में आपको पता चलता है कि आपका किस सेंटर यानी आपका किस ट्रेनिंग सेंटर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि आपको बेलगावी जाना है या अवधी जाना है या नलिया जाना है। तो ये तो भाई मेरे तीनों हो गए एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल यानी ATS बोला जाता है इसको, ठीक है। पहले नंबर पे आता है ATS बेलगावी आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे है और सेकंड हो गया नलिया और थर्ड हो गया अवधि। ओके, तो ये तो हमारे हो गए कि एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको सोना कब है ट्रेनिंग पीरियड में और जगना कब है और जो ट्रेनिंग पीरियड में पनिशमेंट मिलता है वो कैसे मिलता है और क्या क्या मिलता है और कब मिलता है और जो क्लासेस होती है ट्रेनिंग पीरियड में वो कब होती है और उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको, किस किस सब्जेक्ट कौन सा होता है, वो भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है वेकअप की कि आखिर जगना कब होता है ब्रदर। तो जगना होता है 3 से 4 बजे के बीच में। ओके, और वहां पर सेविंग कंपलसरी होती है, उतना देर में अपना सेविंग कर लेते हैं और फिर हेल्थ रन होती है 4:30 में, यानी 4:30 में हेल्थ रन होती है। उसके पहले आपको सारा काम करके आपको रेडी हो जाना और हेल्थ रन के लिए 4:30 में आपको ग्राउंड में रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। और हेल्थ रन में क्या क्या होता है, तो हेल्थ रन में केवल वहाँ पर रनिंग ही नहीं होता, पुशअप होता है, पुलअप होता है, चिन अप होता है, सीट अप होता है और भी काफ़ी जनरल सर्विस ट्रेनिंग भी होता है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जनरल सर्विस ट्रेनिंग के अंतर्गत एंड्योरेंस ट्रेनिंग, PT, गेम्स, स्मॉल आर्म्स फायरिंग, ये सारी चीज़ आ जाते हैं आपको जनरल सर्विस ट्रेनिंग के अंतर्गत। और ये कब होता है, हेल्थ रन के टाइम में, मतलब कि 4:30 से 6 बजे के बीच में ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा। तो 4:30 से 6 AM तक आपको हेल्थ रन होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट 7 AM तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना होता है। तो 6 से 7 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है। ब्रेकफास्ट करके आओगे तो फिर आपको ड्रिल कराया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद जब मिस से आओगे तो ड्रिल होता है 7 से 9। तो 7 से 9 जब ड्रिल हो जाएगा तो उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, लेकिन आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, बस केवल नाम का रेस्ट है, उसी में आपको नहाना भी है, बाकी सब सारा जो काम आपको बाकी है वो सब करना है। ओके, फिर आपको जब 1 घंटा हो जाएगा तो फिर जब 10 बज जाएगा तो उसके बाद 10 से 1 आपको क्लासेस होंगी और क्लासेस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ये भी बताते हैं आपको। तो देखो क्लासेस में आपको 1 बजे तक रहना, आपको समझ रहे हो, 1 बजे तक यानी 10 से 1। तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल सर्विस नॉलेज और फिर उसी को हम कहते हैं जनरल यानी GSK कहते हैं उसको, और फिर होता है बेसिक ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो आखिर इन सारे सब्जेक्ट में पढ़ाए क्या जाते हैं, तो इंग्लिश, हिंदी दोनों तो सब्जेक्टिव हो गया और बेसिक ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर वे तो कंप्यूटर को लेकर हो गया। और बात आती है कि GSK मतलब कि जनरल सर्विस नॉलेज में आपको क्या क्या कराया जाता है, तो उसमें देखो उसमें पहले बात आती है इन्फॉर्मेशन अबाउट IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स के जो सारे इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको बताए जाएंगे। और फिर सेकेंड थिंग, इसका जो इतिहास है, एयरफोर्स का जो इतिहास है वो बताया जाता है कि कैसे क्या क्या हुआ था, कब क्या हुआ, ये सारा इतिहास वहाँ पर बताया जाएगा। फिर थर्ड में आता है कि लॉ एंड रेगुलेशंस मतलब कि वहाँ पे नियम और कानून जो है एयरफोर्स के वो भी आपको बताए जाएंगे, इसमें GSK के अंतर्गत ये सारा आता है। फिर आएगा आपको जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, तो आपको हेल्थ और हाइजीन के लेकर आपको जनरल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। और फिर आपको जो क्या क्या आपको एयरमैन के रूप में आपको क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा वहाँ पे। ओके, तो फिर ये सारे क्लासेस जब होते हैं तो इनका एक ट्विस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, एक मिड टेस्ट होता है मतलब एक बीच में टेस्ट होता है और एक फाइनल टेस्ट होता है। अगर मिड टेस्ट फेल भी कर गए, लेकिन फाइनल टेस्ट फेल नहीं करना ब्रदर, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अगर मिड टेस्ट फेल कर गए तो कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन फाइनल टेस्ट जरूर पास करना है आपको। ओके, तो फिर अब बात आती है कि पनिशमेंट क्या होता है, ठीक है, तो पनिशमेंट हम लास्ट में वो होता है, लास्ट में एकदम सोने के टाइम पर पनिशमेंट मिलता है। तो फिर जब मान लो कि अब 1 बजे तक आप क्लासेस होंगे तो उधर से आओगे तो फिर आपको लंच का टाइम मिलता है, लंच होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो भाई जितने बजे आप लंच करके आ जाओ उसके बाद जितना टाइम बचा वो आपका टाइम हुआ, ठीक है, उसमें वो आपको नहीं बुलाएंगे। 1 से 3 में आपको सारा काम कर लेना, जितने बाकी आपको रिवीजन करना है रिवीजन कर लो, सोना है सो लो, जो भी करना है आपको 1 से 3 के बीच में आपको कर लेना है। लेकिन फिर जब 3 बजे तो आपको 3 बजे शार्प आपको ग्राउंड पर रिपोर्ट कर जाना है PT के लिए यानी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। आपको 3 से 5 बुलाया जाएगा, 3 से 5 आपको उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें आपको शेड्यूल जो इसका शेड्यूल है वो चेंज होता है, वीकली चेंज होते रहता है, मतलब कि मंडे और सैटरडे को ये गेम्स वहाँ पे होते हैं। और गेम्स में कौन कौन से गेम्स होते हैं, गेम्स में वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, ये सब जो जितने भी पॉपुलर गेम्स हैं वो कराए जाएंगे आपको। और ये कोई बंदा मिस नहीं करना चाहेगा क्योंकि गेम्स जब होती हैं
तो वहाँ पे थोड़ा इंटरटेनमेंट का एक यही थोड़ा साधन हो गया, मतलब कि इंटरटेनमेंट यहीं से मिलता है, गेम से ही। ओके, तो ये सारा गेम्स प्रोसेस हो गया। तो ये 3 बजे से 5 बजे तक चलता है, तो 3 बजे से 5 तक पीटी हो गया। पीटी से जो जब आओगे तो 1 घंटे का आपको टी ब्रेक मिलेगा। टी ब्रेक करो अपने आराम से, टी ब्रेक करने के बाद, तो फिर 5 से 6 टी ब्रेक करने के बाद आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस होंगी, जिसे हम नाइट क्लासेस कहते हैं, क्योंकि 8 बज जाता है, इस वजह से वो नाइट क्लासेस के नाम पे वो कराया जाएगा। तो नाइट क्लासेस हो जाएंगी 6 से 8। फिर बात आती है कि डिनर कितने बजे होता है, तो जब क्लास से आओगे ना 8 बजे, तो फिर आपको डिनर के लिए जाना पड़ेगा। डिनर जाओगे, डिनर करोगे, वो लिमिटेड टाइम के लिए, जितना जल्दी डिनर करो उतना जल्दी आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर डिनर करके आओ, वहाँ पे लाइट ऑफ होता है 10 बजे, और जो 8 बजे के बाद जो डिनर करके जितना जल्दी आ जाता है उतना अपना काम क्लियर कर लेता है, जो भी नेक्स्ट डे प्रिपरेशन है, मतलब कि नेक्स्ट डे के लिए सारा जो नोट्स प्रिपेयर करना है, नोट्स निकालना है वगैरह, जो भी शूज यूनिफॉर्म जितने तैयार करने हैं वो अपना उसी बीच कर लेते हैं, मतलब कि डिनर करके आए और जो 10 बजे लाइट ऑफ होता है उतने बीच के बीच में आपको कर लेना पड़ता है। और कभी कभी लेट भी हो जाता है तो वो 11 बजे तक लड़के, आई मीन जो जितने भी ट्रेनिस होते हैं वो 11 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि इतना थकानी हो जाता है। लेकिन एक बात और कि जब मान लो कि कोई बंदा अगर बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है या कुछ भी पनिशमेंट के तौर कुछ भी गलती कर देता है तो उसको पनिशमेंट कम मिलता है। तो पनिशमेंट भाई सोने के टाइम में जब लाइट ऑफ हो जाता है 10 बजे, फिर आपको बुलाया जाएगा आपको ग्राउंड में, और वहाँ पे वो आपसे फ्रंट रोल बैक रोल ये सब कराएंगे, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ट्रेनिंग हार्ड हो जाता है कि सोने के टाइम पे भी, लेकिन इसलिए कोई गलती नहीं करनी है आपको, जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाए वो अच्छे से करना है, और परफॉर्मेंस आपका डाउन नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी डाउन हुआ तो पनिशमेंट के, कुछ भी गलती हुआ तो पनिशमेंट देने लगेंगे, और पनिशमेंट काफ़ी हार्ड होता है वहाँ पे। और एक तो खाने के बाद होता है, इतना दिन भर का थकानी, उसमें भी फ्रंट रोल बैक रोल ये सब क्या क्या करना पड़ता है, वो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। लेकिन एक बात है भाई कि ट्रेनिंग भले ही हार्ड लगे, लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है ना, तो जितने सारे हमारे जो रूममेट्स होते हैं उनसे बिछड़ने का गम ही एक अलग होता है। मतलब कि इतना 6 महीने तक बिना कोई फ़ोन के वहीं बस हम उन्हें देखते हैं और वो हमें देखते हैं, बस हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि वो जब जाने लगता है अपने ट्रेनिंग पे, तो वहाँ पे यार इतना मतलब कि इतना तकलीफ होता है यार कि क्या बताएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया कि क्या क्या इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया, जो भी शेड्यूल है उस एयरफोर्स ट्रेनिंग को लेकर, वो सारा आपके मन से डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।